ਜਾਦੇ ਪੀੜ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇਗਾ। काफ़ी प्लेयर इधर आते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं इधर। इंटरलूप हो गया, शेर सुल्तान हो गया, हफीज साहब, हफीज भाई आते हैं, सर हफीज आते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर शदाब खान हो गया, फहीम अशरफ, सारे प्लेयर आते हैं इधर खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ज़बरदस्त, फिट फाट, शुक्र अल्लाह पाक का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि क्रिकेट के हवाले से आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जाए और कुछ इंटरेस्टिंग क्रिकेट के बारे में बताया जाए। तो यही सब दिखाने और बताने के लिए मैं एक इस टाइम पहुँचा हूँ फैसलाबाद की एक क्रिकेट अकेडमी। यार मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम जो है वो एकेडमी के बाहर खड़े हैं, अभी अंदर जाएंगे और फिर अंदर से भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इस एकेडमी की, अगर आप लोग क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के एक स्पिन बॉलर थे सईद अजमल, जिनका नाम था, जो दुनिया के नंबर वन बॉलर भी रह चुके हैं। बेसिकली उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ था वो इसी ग्राउंड से उन्होंने किया था। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है, वो भी इस ग्राउंड से ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो चलते हैं इस ग्राउंड के अंदर और जाके आप लोगों को इस ग्राउंड का टूर करवाते हैं और इसके बारे में जो मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्राउंड है उसके अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा सिटिंग एरिया बना हुआ है, जहाँ पर जो बैठ के जो ऑफिशल्स हैं वो बैठ के यहाँ पर मैच देखते हैं। इसके अलावा इस साइड पर आ जाएँ तो यहाँ पर नेट्स लगे हुए हैं जहाँ पर लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, और ये जो हमारे फ्यूचर के स्टार्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे लाइट्स का भी इंतज़ाम है, रात के टाइम भी यहाँ पे आप मैच खेल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह भी काफ़ी होते हैं, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, डिविजनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे साथ अली और अहमद हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इनसे थोड़ा सा पूछते हैं इस ग्राउंड के हवाले से और इनके जो प्लान है उसके हवाले से। तो अली भाई हमें थोड़ा सा बताएं इस ग्राउंड के हवाले से, मैंने सुना है कि जो सईद अजमल थे वो भी इसी ग्राउंड में खेलते थे, इसी ग्राउंड में वो ट्रेनिंग करते थे ऐसे ही। और इसके अलावा यहाँ पे कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे जिन्होंने यहाँ पे खेला है और यहाँ से उनकी सिलेक्शन हुई है और उन्होंने पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसको रिप्रेजेंट किया है? इस टाइम तो सईद अजमल ही हैं। ओके। और काफ़ी प्लेयर इधर आते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं इधर। इंटरलूप हो गया, शेर सुल्तान हो गया, हफीज़ साहब, हफीज़ भाई आते हैं, सर हफीज़ आते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर शदाब खान हो गया, फहीम अशरफ, सारे प्लेयर आते हैं इधर खेलते हैं। रिप्रेजेंट जो है इस टाइम सईद अजमल नहीं किया। अच्छा, सईद अजमल नहीं रिप्रेजेंट किया है इस ग्राउंड से जो ट्रेनिंग करके यहाँ से सिलेक्ट हुए थे। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे प्लेयर्स आते रहते हैं, बड़े जो प्लेयर्स हैं वो आते रहते हैं ऐसे। तो आप लोग भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके क्या प्लान हैं आपके आगे फ्यूचर में, आपके क्या प्लान हैं कि अल्लाह करे आप भी पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करें? तो जो यहाँ की ट्रेनिंग है इस ग्राउंड की, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ट्रेनिंग यहाँ पर कैसी है? इधर माशाल्लाह बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा मतलब सिखाया जाता है, हर चीज़ से ट्रेनिंग दी जाती है हमें। okay. माशाल्लाह बकाया आगे गोल है ही है, बकाया अल्लाह पे है कि मेहनत तो हम 100% करते हैं और हमारे कोचेज जो हैं हमें करवाते भी हैं 100% मेहनत। चलिए जी, हमारी इंशाल्लाह अल्लाह पे जी हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक मेरे दोस्त मिले हैं फॉर्चुनेटली, तो उन्होंने मुझे काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है इस ग्राउंड के बारे में। वो कैमरे पर नहीं आए तो, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सी जो है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन दी है। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है सईद अजमल वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये एक क्लब है, इनका एक नेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक क्लब का नेट है, तो इस क्लब के जो मेंबर्स हैं वो हैं वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग करेंगे। इनका एक कोच होगा, उसके अंडर ये सारे लड़के होते हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसी तरह वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने, ये जो है वो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3-4 नेट लगे हुए हैं। ये जो एक एक नेट है, एक एक क्लब का ये वाला नेट होता है। लाइक कह लें कि आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ जी, ताहिर क्लब है, राणा क्लब है, सईद अजमल क्लब है, कोई अख्तर क्लब है, इस तरह लगा लें आप। इसी तरह इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है ये नेट लगे हुए हैं, ये भी एक एक क्लब के नेट हैं, हर क्लब का अपना अपना नेट है। और फिर उनके जो है वो कोचेज हैं और उनके जो है वो आगे फिर जो उनके हैं वो प्लेयर्स हैं तो यहाँ पे आके अपनी जो है सिलेक्शन करवाते हैं। इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं, फीस होती है जो पे करते हैं, उसके बाद फिर वो क्लब के मेम्बर बन जाते हैं। फिर उनका कोच होता है क्लब का, उसके अंडर उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद फिर वो क्लब्स के मैचेस होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह स्टेप बाय स्टेप
वो आगे जाते हैं अंडर 16, अंडर 19, उसके बाद फर्स्ट क्लास, फिर PSL, फिर जाके पाकिस्तान की टीम में जाके वो है उसको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पिच के हवाले से उसने मुझे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो पिच के ऊपर जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये वाली जो मिट्टी है, ये जो हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है इकबाल स्टेडियम, वहाँ से लाई गई मिट्टी है। उसने मुझे बताया कि ये जो मिट्टी है ना, जब वो वाली जो मिट्टी इंटरनेशनल जो ग्राउंड होता है उसकी जो मिट्टी है, जब उस पर एक दो मैचेस हो जाते हैं तो उसकी जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद उसके ऊपर जो है वो नई मिट्टी ला कर डाली जाती है, फिर वो वाली जो मिट्टी है वो यहाँ पर ला के इस पिच के ऊपर वो डाल देते हैं। और ये वाली जो मिट्टी है, ये जब एक दो मैच यहाँ पे हो जाते हैं तो ये जो मिट्टी उठा के यहाँ से, ये जो नेट लगे हुए हैं ना यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लब्स के, ये यहाँ पे जो क्लब्स हैं इनके जो पिचेस बनी हुई है ना, ये यहाँ पे डाल देते हैं। मतलब कि ये मिट्टी जो है इसका एक सर्कल चलता है, इंटरनेशनल जो ग्राउंड है वहाँ पर आती है सबसे पहले, वहाँ पर एक दो मैचेस होने के बाद फिर ये यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक दो मैचेस होने के बाद फिर ये जो नेट्स हैं, जो क्लब्स हैं वहाँ पर चले जाती हैं। कभी हम भी क्रिकेट खेला करते थे लेकिन कभी इस तरह की पिच पे हम कभी नहीं खेले, तो इसके ऊपर नहीं मैं जा रहा क्योंकि ये ऑफिशियली है तो उन्होंने तैयार की हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरी वजह से ख़राब हो। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये पिच उन्होंने तैयार की हुई है। ये तो जो क्रिकेटर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो पिच है यहाँ पर बॉल बाउंस होगा, टर्न होगा, क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये फैसलाबाद की कह लें कि जो वन ऑफ द टॉप क्रिकेट ट्रेनिंग अकेडमीज़ हैं उनमें इसका शुमार होता है। तो यहाँ पे अक्सर टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं यहाँ पे जो है। अभी उधर एक मुझे मिले थे, वो बता रहे थे कि ये जो कायदे आज़म ट्रॉफी है अभी वहाँ पे ये खेल के आए हैं, तो मैंने कोशिश की थी कि उनसे बात करूँ लेकिन वो थोड़े से बिज़ी थे, तो इसलिए फिर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहाँ पर और भी जो है बड़े प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के नेशनल लेवल्स पे टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे PSL वगैरह में भी खेल चुके हैं, लेकिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो सईद अजमल ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया है और जो है वो दुनिया के नंबर वन बॉलर भी रहे थे अपने दौर में। बड़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग थी उनकी, तो अभी तक तो वैसा है स्पिन बॉलर, उनके बाद अभी तक वैसा नहीं आया कोई भी। उन्हें मैजिशियन भी कहा जाता था, जादूगर भी कहा जाता था। यहाँ पर लड़के जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उम्मीद है कि इनमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई जो है एक दिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और पाकिस्तान का जो नाम है वो क्रिकेट में जो है वो रोशन करेगा। तो इनको भी टाइम लगेगा लेकिन ये है कि जो स्ट्रगल करेंगे, अच्छा खेलेंगे, हो सकता है कि वो इतना एक दिन जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर तक क्रिकेट से जो है वो अटैच रहा हूँ, अब तो सिर्फ देखने तक रह चुके हैं। पहले मैंने भी बड़ी क्रिकेट खेली है, तो यकीन करें मेरा यहाँ से जो है वो जाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे भी अपना पुराना वक्त याद आएगा जब हम भी हार्ड बॉल खेलते थे। अभी मैं जाता हूँ लेकिन अभी तो बस वो टेनिस बॉल, टेप बॉल जिसे कहते हैं, वो खेलता हूँ। तो जो हार्ड बॉल है इसकी अपनी क्लास है, इसका एक अपना जो है वो एक एक्सपीरियंस है। इसको आप जो टेप बॉल है या जो हम एक फुटबॉल से खेलते हैं जो 100 ग्राम या 60 ग्राम वाला होता है, इसके साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक बहुत नेक्स्ट लेवल की जो गेम है। यहाँ पर मैं देख रहा था बिल्कुल छोटा सा जो बच्चा था वो भी आया हुआ था, अभी वो कह लें कि हार्डली वो मेरे ख्याल से 7-8 साल का होगा, वो भी यहाँ पे फास्ट बॉलिंग की ट्रेनिंग कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे एक भाई मिले, वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो मुझे बता रहे थे कि अभी यहाँ पे एक जो आपने देखा है बॉलर, जो फास्ट बॉलर है, इन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, तो उनका बता रहे थे कि ये जो लाहौर कलंदर की टीम है उसमें इनकी जो है वो सिलेक्शन हुई हुई है, तो उसके जो है उनके पास कोई सिलेक्शन का कार्ड है वो इनके पास अवेलेबल है, तो होपफुली के जो नेक्स्ट PSL है शायद उसमें ये आपको परफॉर्म करते नज़र आएँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर ये जो अकेडमी है, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इसने स्टार्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है, इसने ऑलरेडी भी स्टार्स प्रोड्यूस किए हुए हैं और अभी भी ये जो है ग्राउंड जो लगा हुआ है स्टार्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करने में, तो एक ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए और फैसलाबाद के लिए कि यहाँ पे भी इस तरह की अकेडमीज़ हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही हैं और वो जो बच्चे हैं वो आगे जाके जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो था एक पूरा एक ओवरऑल जो व्यू था इस ग्राउंड का जो मैंने आपको दिखाया है और इसके बारे में बताया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे आके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है क्रिकेट से रिलेटेड। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को फिर लाइक भी कर दीजिएगा और जो भी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।